रूबी मेयर्स यानी सुलोचना, एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी शुरुआत तो मूक फिल्मों से हुई थी, लेकिन फिर बाद में बोलती फिल्मों के दौर की शुरुआत में भी उनका सिक्का फिल्म इंडस्ट्री पर खूब चला। हिंदी सिनेमा में विशेष योगदान के लिए 1973 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रूबी मेयर्स यानी सुलोचना 1930 के दशक में सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री थी। मूक फिल्मों के दौर में ही सुलोचना के खाते में कई हिट फिल्में थी। बोलती फिल्मों के आने के बाद सुलोचना का करियर थोड़ा ठहर गया। सुलोचना असल में क्रिश्चियन थी और उन्हें हिंदुस्तानी भाषा बहुत अच्छी तरह से नहीं आती थी। बोलती फिल्मों के आने के साथ ही डायलॉग बोलने में दक्षता जरूरी हो गई। ये सुलोचना के करियर के लिए एक धक्का था। कुछ वक्त ऐसे ही चला, मगर फिर सुलोचना ने हार न मानने का फैसला किया। उन्होंने एक साल का ब्रेक लेकर हिंदुस्तानी भाषा धड़ल्ले से बोलने की तालीम ली और फिर वापसी की। सबसे पहले उन्होंने 1920 के दौरान बनी अपनी फिल्मों का रीमेक 1930 के दौरान रिलीज किया। सभी फिल्में बहुत सफल हुईं और सुलोचना फिर टॉप तक पहुंच गईं। मगर 1940 से सुलोचना के करियर में ढलान जो शुरू हुआ तो फिर वो संभल नहीं सकी। नई अभिनेत्रियों के सामने सुलोचना मुकाबला नहीं कर सकी। चरित्र भूमिकाओं के सहारे उन्होंने वापसी की कोशिश की, लेकिन फिर कभी हालात पहले जैसे न हो सके। सुलोचना ने अनारकली नाम की 3 फिल्में की। तीनों एक ही कहानी का रीमेक थी। पहली अनारकली, जिसमें सुलोचना मुख्य अभिनेत्री थी, मूक फिल्मों के दौर में बनी। जब सुलोचना ने बोलती फिल्मों में वापसी की तो उन्होंने अपनी फिल्म अनारकली को फिर से बनाकर उसमें लीड रोल किया और फिल्म जबरदस्त चली। तीसरी अनारकली उनके हिस्से आई तब जब वो अपने खत्म होते करियर को संभालने की कोशिश कर रही थी। इस अनारकली से उन्होंने वापसी की, लेकिन अनारकली नहीं, सलीम की माँ के रोल में। सुलोचना की कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं सिनेमा क्वीन, जो 1926 में रिलीज हुई थी, 1926 में ही रिलीज टाइपिस्ट गर्ल, 1928 में रिलीज हुई फिल्म माधुरी, 1927 में रिलीज हुई वाइल्ड कैट ऑफ बॉम्बे, 1928 में रिलीज हुई फिल्म अनारकली और 1929 की फिल्म हीर रांझा, 1929 में ही इंदिरा बीए, 1933 की फिल्म सुलोचना, 1953 में रिलीज हुई फिल्म बास, साल 1968 में रिलीज हुई फिल्म नीलकमल में रूबी मेयर्स जहां गर्ल्स कॉलेज की डीन के रूप में नजर आईं, वहीं 1978 में रिलीज हुई फिल्म खट्टा मीठा में उन्होंने मिसेस पेरिन सोली की भूमिका निभाई। अपने दौर में रूबी मेयर्स जबरदस्त लोकप्रिय रही। कहा जाता है कि उन दिनों बॉम्बे के गवर्नर से भी ज्यादा पैसे उन्हें मिला करते थे। ये रकम थी 5,000 रुपए। वो इतना कमाने वाली इकलौती अभिनेत्री थी। सुलोचना के पास शेवलेट 1935 थी, जिसे वो खुद चलाती थी। सुलोचना और डी बिलिमोरिया का अफेयर बहुत प्रसिद्ध हुआ। डी बिलिमोरिया मूक फिल्मों के सुपरस्टार थे। 1933 से 1939 के बीच सुलोचना ने सिर्फ बिलिमोरिया के साथ फिल्में की। इसके बाद दोनों में दूरियां आ गईं। 1907 में जन्मी अभिनेत्री सुलोचना ने 10 अक्टूबर 1983 को इस फानी दुनिया को अलविदा कहा। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हिंदी फिल्म जगत के शुरुआती दौर के सुनहरे इतिहास को जब भी लिखा जाएगा, अभिनेत्री सुलोचना का नाम उसमें शीर्ष पर ही होगा। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइट इंक एंटरटेनमेंट।